दमोदेहा थाना अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि दमोदेहा थाना अंतर्गत मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर जो कर्मचारी तैनात है उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया, लूट के नियत से यह हमला किया गया है। बताया जाता है कि लगभग 20,000 रुपए लूटे गए हैं। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए, उनके द्वारा गाड़ी को रोका गया और कहा गया कि वह पुलिसकर्मी है। उन्हें जानकारी मिली है कि इस गाड़ी में गांजे की सप्लाई हो रही है। पहले उनके द्वारा तलाशी ली गई, सभी के पैसे छुड़ाए गए और उसके बाद भागने का प्रयास भी उनके द्वारा किया गया, लेकिन जैसे ही युवकों के द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, ताबड़तोड़ चाकू बरसाए गए। 3 लोगों के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। 2 की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं डॉक्टरों के द्वारा उन्हें रेफर किया जा रहा है, ऐसी सूत्रों के हवाले से अभी खबर है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है। दमोमैन नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के समीप का ये पूरा मामला है। बताया जाता है कि ये तमाम कर्मचारी वापस आ रहे थे ढाबे के समीप, 3 लोगों के द्वारा उन्हें रोका गया, बाइक सवारों के द्वारा रोका गया जिनके द्वारा लूट की घटना घटित की गई, उसके बाद जानलेवा हमला किया गया। 3 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बताया जाता है कि अन्य कर्मचारियों ने 1 लुटेरों को पकड़ लिया है जबकि 2 फरार हो गए हैं। बलराम ढाबे के आगे है, फिर उन्होंने क्या बोला आपसे? पहले रोक बीच में अचानक से बाइक घुसा दिया तो ब्रेक मार दी हम लोगों ने, तो पूछने लगे रुको हमको न्यूज मिला है कि तुम लोगों के पास तुम गांजा सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे करके पहले पॉकेट छीन लिया, फिर बैग छीन लिया, बैग चेक करने लगे, फिर जेब चेक कर लिया, फिर मोबाइल से पॉकेट से पैसा छीन लिया, होगा 20,000। अच्छा, फिर मारा है चाकू? हाँ, फिर हमको मतलब हमने पकड़ तो लिया, बाइक की चाबी निकाल ली उन लोगों की कैसे भी करके, तो फिर पकड़ने गए तो उन लोगों ने मतलब धक्का दे दिया हमको। तब तक ये लोगों को हम पहले बता चुके थे, तब तक वो लोग आ गए, तो जैसे ही ये लोग पकड़ने गए तो हम लोग पीछे से पकड़ने गए, इन दोनों को चाकू मार दिया, साथ साथ मेरे को भी हाथ में मार दिया, जो भाग गए 2 भाग गए। हाँ, एक को पकड़ लिया, लेके भागने जा रहे थे, हमने बाइक को लात मार के गिरा दिया, एक पकड़ गया। हाँ, एक पकड़ा गया है। आपका नाम क्या है? किशन राठौर। और इन लोगों का? अब उन एक मनसुख भाई है, एक जयराम भाई है, लोग आए थे उन्हें रेफर किया गया है। देखिए मेडिकल कॉलेज के जो है साइट इंजीनियर्स बताए जा रहे हैं गुजरात के माध्यम से, तो उनके साथ जो है घटना भी बाइकस पर कारित की गई है। हम तलाश में हैं जिन लोगों ने थी घटना करी है, क्या इसके पीछे कारण रहे, फिलहाल उनका इलाज जारी है और उन्हें बेहतर इलाज दिलाने के साथ साथ घटना के पीछे कारणों का जो जानने का प्रयास होगा। इनके मुताबिक इन पर जो है धारदार हथियार से हमला किया गया है, उसके पीछे का कारण जो है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्या विषय था, किस कारण से घटना अज्ञात लोगों ने करी है, इनके द्वारा भी उनको जो है अज्ञात बताया गया। उसमें मेरी हमारे दयाराम कुशवाहा, किशन राठौर और मनसुख भाई ने 3 लोगों के साथ घटना की गई है। सर मेडिकल कॉलेज साइड है हमारी बाईपास पर, उसके आसपास की। आगामी त्योहारों के मद्देनजर दमोह में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आज फ्लैग मार्च निकाला गया। संपूर्ण नगर में ये फ्लैग मार्च निकाला गया, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, लेकिन अपराधी कितने बेखौफ हैं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में सैकड़ों की संख्या में फ्लैग मार्च में पुलिसकर्मी शामिल थे और इसी बीच बाईपास पर लूट की घटना कारित की गई और 3 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हम आपको बता दें कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये हमला किया गया है, लूट की घटना को घटित किया गया है। पुलिस मामले की जांच में अब जुटी नजर आती है। जरूरी होगा कि वहां भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं ताकि समय सीमा में यह निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। TVS iGo Assist for you.
you. TVS iGo Assist has two main features: intelligent start-stop technology and integrated starter generator. The intelligent start-stop technology is one of the features that makes the scooter more fuel efficient. This system automatically turns off the engine when you are idling. The scooter restarts only when you press the brake and open the throttle, saving you fuel. You can even turn the system on or off. The second feature in the TVS iGo Assist is the Integrated Starter Generator, or ISG. The ISG motor assists the main engine. It gives the boost when needed by using the electricity stored in the battery, like going up a hill or accelerating quickly. The controller in the ISG is the brain of the system. When you accelerate, it senses that you need more power, and it tells the ISG motor to kick in and help the main engine. The ISG also enables the silent start on your TVS Jupiter. The new TVS iGo Assist and intelligent start-stop technology make sure that your TVS Jupiter will always go the extra mile for you.